नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लगातार .in से आप सभी का कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में स्वागत करती हूँ। चलिए एक बार नजर डालते हैं तमाम उन बड़ी खबरों पर जो कि सप्ताह भर सुर्खियों में बनी रही। ब्राउन शुगर की खरीद और बिक्री पर जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन 10 लोगों की गिरफ्तारी सीतगोड़ा, कपाली और आदित्यपुर से की है। इन 10 लोगों के पास बड़ी संख्या में ब्राउन शुगर्स के कई पैकेट बरामद भी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हरपाल सिंह थापड़ के मौत के मामले में स्वयं ही जिला न्यायाधीश ने ईमेल के माध्यम से जाँच की, अनुशंसा की। लोको पायलट से हुई छीनतई के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, इनमें से 2 लोग नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं चाईबासा पुलिस ने उग्रवादियों के सर्च अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए PLFI के जोनल कमांडर अजय पूर्ति को गिरफ्तार किया। यौन शोषण के मामले में स्वास्थ्य मंत्री के पूर्व चालक को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ थाने में महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। 1.5 साल से लगातार शहर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे गिरोह का जमशेदपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया। यह गिरोह लगातार शहर से बाइक की चोरी की घटना को बाइक की चोरी कर उड़ीसा में नंबर प्लेट चेंज कर सस्ते दामों में बेचा करता था। वहीं दूसरी तरफ आपसी विवाद में एक दोस्त ने दूसरे ही दोस्त की हत्या। घटना साक्षी की बताई जा रही है, जहां बंद कार में मुख्य सड़क पर पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं 50% क्षमता के साथ एक बार फिर से 1.5 साल बाद निक्को पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार 1.5 साल से कोरोना काल के कारण पार्क आम लोगों के लिए बंद चला आ रहा था। वहीं तारा सिंह गिल के दोबारा से सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान बनाए जाने पर विपक्षी दल इसे अवैध बता रहे हैं और लगातार इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। वहीं MGM में शिशु और मां की मृत्यु पर लगातार परिजन जो है इसका विरोध कर रहे थे और 6 घंटों तक उन्होंने बवाल किया, हंगामा किया और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण शिशु और मां दोनों की ही मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ जुस्को में कर्मचारी पुत्रों के लिए कई पदों पर बहाली निकली है, जिसमें कर्मचारी पुत्र आवेदन कर सकते हैं। और 4 दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद जब एक बार सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन मौजूद हुए मुहैया करवाया गया तो लोगों की बड़ी संख्या वहां पर भीड़ के रूप में उमड़ गई और यह देखने को मिली। और एक लंबे समय लगभग 6 साल बाद TRF कंपनी में ग्रेड समझौता हुआ है। और कोल्हान प्रमंडल की तमाम बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों को देखने के लिए बने रहिए लगातार .in के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।